द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. देखो इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी, 45 + 1 यानी कि 46. ठीक है, अब ये देखो जो आरएथ टर्म लिखी जाएगी TR+1 वो क्या लिखी जाएगी, NCR 4^1/5 और उसकी पावर 45 - R और 7^1/10 जो है और उसकी पावर क्या होगा R. तो यहाँ कुल मिला के कैसा हो जाएगा, 45 CR, इसमें इंटरेस्टेड है नहीं, 4^5 45 - R/5 और 7^R/10 इनमें इंटरेस्टेड हम पावर से. देखो अगर R 10 का मल्टीपल है तो ये फ्रैक्शनल पावर ख़त्म होती चली जाएगी, है ना. अगर 10 का मल्टीपल है तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 10, 20, 30 और 40. तो कितनी वैल्यू हो सकती हैं आर की, 1, 2, 3, 4, 5 पांच वैल्यूज़ हो सकती हैं आर की. अब इन पांच वैल्यूज़ में जो है रेशनल टर्म आएंगी, अगर पांच रेशनल टर्म आ रही हैं तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी रहेंगी, 46 - 5 यानी कि 41 जो होंगी वो इरेशनल टर्म्स. आंसर क्या हो गया, 41.